हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बाहर में योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो स्टार्ट है आज का व्लॉग विद न्यू डे। अभी बज रहे सुबह के 6:30, और आज से जब से हम इंदौर आए हैं, अब से इनका फर्स्ट डे आज ड्यूटी का। तो इतने दिन से हम आ गए थे, 2-4 दिन पहले से, बट हम इसलिए आ गए थे क्योंकि आते हैं तो थकान वगैरह हो जाती है, अगले दिन से ड्यूटी जाओ तो रेस्ट नहीं हो पाता, तो इस वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे। 2-4 दिन हमारा आराम से रेस्ट हो गया, सेटिंग हो गई अच्छे से, क्योंकि जब ऐसा होता है हम कहीं नहीं होते 10-12 दिन, मतलब 1.5 महीना रूम हमारा बंद था। वैसे तो आते रहते थे बट किचन में इनका कोई काम नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें थी किचन में जो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, ख़राब मतलब कुछ चीज़ एक्सपायर हो गई थी, बाकी सफाई वगैरह तो सब करके मैं गई थी और इन्होंने भी बीच में आके सफाई कर दी थी, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सपायर हो गई थी, कुछ कुछ चीज़ें थी जो खुली थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो सब चीज़ हमने हटाई, साफ़ करी, तो वो सब चीज़ तो नॉर्मल हो गई थी, तो इसलिए हम पहले आ गए थे सब चीज़ के लिए, 2-4 दिन पहले आ गए थे। तो आज से इनकी ड्यूटी का डे स्टार्ट हो गया है। मैं उठ ये गए थे पीटी के लिए, मैं उठ गई और मैं फ्रेश वगैरह भी हो गई, मुँह हाथ भी धो लिया, और अब मैं यहाँ दूध बॉयल कर रही हूँ, दूध ये लेकर आ गए इनके नाश्ते के लिए, चाय पराठे वगैरह जो भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिसके लिए मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि दी हेयर ग्रोथ के लिए कोई अच्छा सा शैम्पू बता दीजिए, अच्छा सा ऑयल बता दीजिए, जिससे कि हेयर ग्रोथ हो और हेयर फॉल रिड्यूस हो, क्योंकि इस टाइम पर अपने हेयर फॉल से और हेयर ग्रोथ ना होने से बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ये प्रॉब्लम आजकल सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हम जाते हैं, कहीं का पानी चेंज होता है, कहीं मौसम चेंज होता है, कहीं हम घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर हम होटल में रुकते हैं, होटल में हम किसी के पिलो यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पर वो जो पिलोज होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे भी सबसे ज़्यादा मेन खतरा रहता है हमारे हेयर फॉल होने का, कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, उसी पिलो पर हम सर रख रहे हैं, वहीं का हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, कैसा है क्या नहीं, तो सबको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, जैसा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, और बहुत सारे लोग आजकल गर्ल्स जानते होंगे कि हम स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, बहुत सारी चीज़ अपने बालों में कराते हैं, उससे सबसे ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, जो कि मैंने भी फेस थी स्मूथनिंग के बाद। बट मुझे ममार्थ के प्रोडक्ट में हमेशा शुरू से यूज करती हूं, उसके रिव्यू मैं आपको हमेशा से देती आई हूं, तो मुझे भी ममार्थ की वेबसाइट पे एक बहुत ही अच्छे ममार्थ के प्रोडक्ट मिले थे, जो कि ममार्थ का एंटी हेयर फॉल विद रोजमेरी एंड मेथी दाना शैम्पू एंड ममार्थ का हेयर फॉल कंडीशनर विद रोजमेरी एंड मेथी दाना। तो जैसे कि आपको सबको पता होगा, बचपन में हमारी मम्मी जो होती थी वो मेथी दाना वगैरह हमारे हेयर से यूज करती थी, उस टाइम पे हमारे बाल कितने स्ट्रॉन्ग रहते थे बचपन में, बट इस टाइम पे तो हम उस जनरेशन के हैं ही नहीं कि मम्मी लोगों की तरह अपने बालों में ये सब यूज कर सके, तो ममार्थ एक बहुत ही नेचुरल और सेफ ब्रांड है, जिसके कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं होती है, 100% सेफ एंड नेचुरल होते हैं, तो इसलिए मुझे ममार्थ पे बहुत 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 ज्यादा बिलीव है, इसलिए मैं इनके प्रोडक्ट यूज करती हूँ, वो भी विदाउट एनी फेयर। ऑल ममार्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। ममार्थ एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिविटी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। ममार्थ हैज लॉन्च्ड देयर ऑफिशियल ऐप, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये सब यूज कर सकते हैं फॉर मेंस एंड वुमेंस आल्सो, ऑल हेयर टाइप्स के लिए, मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो इसलिए बिना किसी डर के आप ममार्थ के प्रोडक्ट कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। कहो कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ, ममार्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू विद रोजमेरी एंड मेथी दाना, इस बहुत ही अच्छे शैम्पू और कंडीशनर निकाले हैं, जिसमें है मेथी दाना एंड रोजमेरी, जो कि हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हमारी हेयर वॉल्यूम को बहुत ही अच्छा बनाता है। साथ ही इसका ये बहुत ही अच्छा मुझे ममार्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला, 100% प्योर एंड नेचुरल, और इसको यूज करना इतना आसान, मतलब मैंने जब से ये यूज करा है मुझे अपने बालों में इतना ज्यादा फर्क लगा, क्योंकि आजकल मेरे बेबी हेयर्स जो हो गए थे वो बहुत ज्यादा उड़े उड़े से रहते थे, और मतलब जब मैं बीच का पार्टीशन, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मौसम भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कभी बरसात, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी कुछ कभी कुछ, और आजकल मेरी ट्रैवलिंग का भी बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी मैं इंदौर थी, देन मैं उसके बाद अपने ससुराल गई, फिर मैं मायके गई, फिर मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी बीच में खाई थी ऑपरेशन की वजह से, तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया था, और मैंने बीच में वॉश वगैरह करना, शैम्पू भी चेंज कर दिया था बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन, क्योंकि मैं ऑपरेशन की वजह से कहीं और थी और वहाँ मेरे शैम्पू मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो उस वजह से मेरे बालों में मेरे को दिक्कत आने लगी थी। बट थोड़े दिन पहले ही मैंने हो गए, मेरे को 10-15 डेज मैंने अपना ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मंगवाया, जो कि मुझे ममार्थ की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर करा, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा, और इसको यूज़ करना सिंपली बहुत आसान है। आप सोचोगे इतनी छोटी सी ड्रॉप, मतलब इतनी छोटी सी बॉटल है, कितना चलेगी, बट ये बहुत ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट ही इसको अप्लाई नहीं करना है, इसको आप फ्यू ड्रॉप्स लेंगे अपने हैंड पे लाइक दिस, एंड इसमें आपको कोई भी आपके घर में ओलिव ऑयल होगा या फिर आलमंड ऑयल होगा, उसमें इसको मिक्स करना है। जैसे कि मैंने इस बाउल में थोड़ा सा ओलिव ऑयल ले रखा है, इसको आपको ओलिव ऑयल को मिला के अच्छे से अपने बालों की ऐसे बीच में से मांग निकाल के, साइड में से मांग के अच्छे से इसको आपको अपने बालों में मालिश कर लेनी है। ममार्थ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को लगाने का सबसे अच्छा टाइम है नाइट में। नाइट में आप इसकी फ्यू ड्रॉप्स ले लीजिए, इसमें कोई भी ओलिव ऑयल या आलमंड ऑयल को मिलाकर आप इसको अच्छे से अपने बालों की स्कैल्प में लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए, उसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, देन सुबह आप इसको वॉश कर लीजिए, आपको अपने बालों में खुद इतना फर्क दिखेगा, इतनी अच्छी हेयर वॉल्यूम आपकी रहेगी, और कम से कम इसको आपको वीक में 3 टाइम्स तो जरूर करना है। आप अपना
एंड गाइस, जैसे कि आपको सबको पता है कि ममार्थ के सारे प्रोडक्ट्स, ममार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट, ममार्थ के ऐप, फ्लिपकार्ट, नाइका, अमेजोन, पर्पल, हर जगह अवेलेबल है। बट अब ममार्थ के स्टोर आप सबके घर के पास भी आपको मिल जाएंगे, लाइक मॉल्स में या फिर ममार्थ के स्टोर्स भी आपके घर के पास ओपन है। अगर आपके घर के पास भी कोई ममार्थ स्टोर है और अगर आप वहाँ से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि पहले मैं अपने बेबी हेयर से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी, जो कि मेरे वो छोटे छोटे उड़े उड़े से माथे पे आते रहते थे, यहाँ यहाँ तक आते रहते थे। बट जब से मैं ये ऑयल यूज़ करने लगी हूँ, इसने मेरी हेयर ग्रोथ इतनी बढ़ा दी है कि अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती और ना मुझे कोई हेयर क्लिप लगानी पड़ती और ना मुझे मुंह पे आते हैं बाल हवा से, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती है अब जब से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने लगी। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि ममार्थ के प्रोडक्ट जरूर जरूर यूज़ करना। ममार्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू विद रोजमेरी एंड मेथी दाना, एंड ममार्थ का ही रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर विद रोजमेरी एंड मेथी दाना, एंड द लास्ट वन बट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ममार्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। और ममार्थ की एक और स्पेशल बात कि ममार्थ की वेबसाइट से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके ऑर्डर को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं और आपके नाम पे एक पेड़ लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपकी वेबसाइट पेड़ लगता है और उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर्स आपको टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं। अभी मैंने पाए हैं इत्तू से बाल से इतने सारे बाल, जल्दी से जाइए गाइज, आप भी ममार्थ के प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम को, उसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाइए। ममार्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको ममार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट, ममार्थ के ऐप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नाइका, पर्पल, हर जगह मिल जाएंगे। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, अगर आप वहां से ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही मेरे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड है भावना 2023। तो जल्दी से जाइए, ऑर्डर कीजिए और अपने जो भी हेयर्स में प्रॉब्लम है उसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाइए। थैंक यू सो मच। ये भी आ गए हैं और अब ये नहाएंगे धोएंगे, जब तक मैं इनके लिए नाश्ता बना दूंगी। अब मैं करती हूँ इनके नाश्ते की तैयारियां, जिससे कि ये नाश्ता फटाफट कर लें और मैं फटाफट चले जाऊँ। ये आए, इन दूध लेकर आए थे, दूध नीचे स्कूटी के डिग्गी में रह गया तो मैं वो लेने के लिए गई थी। इन्होंने जब तक एक कमरे में और किचन में झाड़ू भी मार दी है। क्या ये फौजी पति सारे ऐसे ही करते हैं या खाली मेरे ही करते हैं? खाली मेरे तो नहीं करते, उनके सभी करते होंगे यार, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वो देखा है बहुत लोगों के, मुझे सुना भी है कि उनके हस्बैंड उनके घर के कामों में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। मेरे तो बहुत 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 ही ज़्यादा कराते हैं मैं तो। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते कि आप मना क्यों नहीं करते। अरे भाई, मैं थोड़ी कहूँगी काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, ये करो, मैं नहीं कहती, वो खुद ही कर देते हैं। और जैसा हाँ आप लोग कहते हो जैसे गुस्सा होती हो वैसे ही उनसे गुस्सा हो जाएगा, करो काम करो। क्यों हो जाओ भाई मैं गुस्सा उनसे, मतलब वो बेचारे मेरी हेल्प करा रहे हैं, मैं उनसे गुस्सा हो जाऊँ? मगर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो मैं ही कर लेती हूँ, वो मना कर देती हूँ। बट उनको अच्छा लगता है कि खाली बीवी ना करे, मैं भी उसकी हेल्प कराऊँ। सासू माँ ने हमारे घी भेजा था इतना सारा घर से बनाकर, और बहुत सारा तो हमने यूज़ भी कर लिया और अभी है। इनको घी बहुत ज़्यादा पसंद है, घी के गर्मा गर्म परांठे। गाइस, नाश्ता बन गया है, अभी मेरे को जाना है कूड़ा फेंकने के लिए। मैंने कर दी किचन साफ, अब मैं बनाऊंगी अपने नाश्ता थोड़ी देर में। मैंने रख दिया सामान यहाँ पर, कर लिया नाश्ता? हाँ, थैंक यू। क्यों थैंक यू? नमक के पराठे में मस्त क्या होता है? पराठों में मस्त क्या लगता है ऐसा? पराठा मस्त हो रहा था। अच्छा।
सब कुछ परफेक्ट था ना आपके हस्बैंड का, पिछले नंबर ज्यादा और एक कम। देखो मैंने तुम्हें ऐसे छुआ पट्टा मारा, ऐसा लगा मैंने तुझे जोर से मार दिया है ना। चलो तैयार हो फटाफट और चले जाओ ड्यूटी, देर हो जाएगी बेटा। ठीक है, नाश्ता कर लेना और आराम कर लेना, ज्यादा काम नहीं करना, आराम करना। ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना, काम कुछ नहीं करना। अच्छा क्यों, आराम कर, सोती रहो, खाती रहो, सो खाऊ सो, बाय, आई लव यू। अब मैं क्या करूं, एक कमरा भी झाड़ू ले रह रहा है, मगर मुझे लग रहा है मुझे दोबारा ही झाड़ू लगाना पड़ेगा पूरे घर में, क्योंकि ये मिट्टी मिट्टी हो ही गई है। इन्होंने जूते उत्ते पहने फिर इधर से उधर गए, तो दोबारा हो गया कबाड़ा थोड़ा सा। तो मैं पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, पानी मेरा गर्म करने के लिए लगा के चले गए शायद से, लगा दिया क्योंकि मैं भारी बाल्टी नहीं उठा पाती ना, कमर में दर्द हो जाता है। अब मैं लगाती हूँ झाड़ू। गाइज मैं ना फोन सॉरी व्लॉग ना अपने वन प्लस से बना रही हूँ, मैंने अपना वन प्लस फोन ठीक करा लिया और मैं शायद ना इसको बेचूंगी, तो अगर किसी को खरीदना हो तो मुझे बता देना। मतलब इसलिए नहीं बेच रही कि टूटा था करके, अब तो मैंने ठीक भी करा लिया पूरी, 15,000 की न्यू डिस्प्ले पे डलवा ली, आ गई थी उनके पास सर्विस सेंटर में। तो अब देख ही रहा मेरा, मैं वन प्लस का ही दूसरा लेने वाली हूँ अब, इसलिए मैं इसको सेल कर रही हूँ या पता नहीं देखो कैसा है। हाँ तो गाइज मैं वन प्लस का 4 ईयर वाला जो है मेरा वन प्लस 9 जो मैंने खरीदा था, इसका स्टोरेज है 256 GB जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफ होता है, बट मेरे लिए इनफ नहीं होता, मेरे को और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, बट इससे ज़्यादा स्टोरेज वन प्लस में बना ही नहीं है। तो मेरे आईफोन में भी 256 ही है, बट मैं इस वाले फोन को सेल कर रही हूँ, अगर किसी को लेना हो तो बता देना। ये फोन मैंने एकदम ठीक करा लिया सर्विस सेंटर से, 15,000 की न्यू डिस्प्ले लगवा कर, मतलब पूरी स्क्रीन वगैरह लगाकर, तो अगर किसी को खरीदना हो तो बता देना। पूरा फोन बहुत ही मस्त है, 256 GB स्टोरेज, अभी एक साल भी नहीं हुआ, मैंने पिछले नवंबर दिसंबर में लिया था शायद से, हाँ नवंबर दिसंबर में लिया था, नवंबर में लिया था अपनी एनिवर्सरी से पहले। तो अगर किसी को लेना हो तो मुझे बता दीजिएगा। 55,000 का मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था और इसी टाइप में मैं कुछ बेचूंगी क्योंकि इसको एक साल भी नहीं हुआ और फ़ोन एकदम मस्त है, स्टोरेज भी स्पीड भी सब कुछ बढ़िया। तो अगर किसी को लेना हो तो मुझे आप बता दें। 55 वैसे भी वन प्लस 9 मार्केट में है ही नहीं क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा था मार्केट में बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। तो अगर किसी को लेना हो तो बता देना, मैं 40 या 45 तक इसको सेल करूँगी। सही भी अगर आप मार्केट से लोगे तो 55, वैसे ही मैंने खरीदा 55,000 का था, 55,000 का लेने से अच्छा 10,000 बच रहे 45,000 खरीदने में, तो फिर कॉन्टैक्ट में। वैसे तो मेरे पास बहुत ही सारे मैसेज आते हैं कि आपका फ़ोन कौन सा है, हमें भी लेना है, हमें भी लेना है, मार्केट में मिल नहीं रहा है। इसका हेजल ब्लेड कैमरा बैक कैमरा इतना जबरदस्त कुछ है, और बाकी तो आप मेरी वीडियोज रील्स वगैरह देखते ही हो, बहुत लोग तो ये बोलते हैं कैमरे से ना, तो इतना भी मन को लग रहा है, कैमरे जैसी भी नहीं लगती। चलो जैसा भी आपको लगता हो वो, तो बाकी किसी को लेना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर लेना, रेट की बात हम वहाँ भी कर लेंगे। फोन में कोई भी खराबी नहीं है, सारा आप चेक करके ले सकते हो, जो भी आपको कोई दिक्कत पहले बताएंगे, मैं खुद ही चला रही हूँ, और अगर आप किसी को नहीं भी लेना होगा, कोई नहीं मिलेगा तो मैं इसको रखूंगी, नो प्रॉब्लम है। तो भाई अपना ब्लॉग बनाने के लिए इसी को रखूंगी क्योंकि आईफोन ना रियल फेस दिखाता है, दाने दाने दिखा देता है। ओह माय गॉड, मैं हूँ नहा धो के तैयार, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। पहले मैं थोड़ा सा घर का काम करती थी, बैठी रही, मैंने चेंज किया, झाड़ू पोछा लग गया, डस्टिंग हो गई है, सारे काम हो गए हैं, बस अब मुझे मंदिर जाना है और उसके बाद आके अपने नाश्ता बनाना है। तो पहले बैठी चेंज कर देते और थोड़े से बाहर कपड़े रखे हम तैयार करते थे। रूम हो गया ऑल सेट, सारी चीज़ें सारी सफाई वफाई सब हो गई,
अब हम चलते हैं मंदिर। तो गाइज मैं आती हूँ मंदिर से, जब तक मैं फोन थोड़ा चार्ज पे लगा के चल जाती हूँ, मेरे फोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। हाय, आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना, मैं आ गई मंदिर से। सोच रहे हो कि इसने टीका तो लगाया नहीं। यार मेरे ना टीके से पता नहीं क्या एलर्जी हो जा रही है, 2-4 दिन से मैं टीका लगा रही थी, मेरे ना यहाँ 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 वाइट 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 दाग जैसे हो रहे थे। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। कभी कभी होता है ना, कुछ केमिकल वगैरह मिला देता है यार बाहर की चीज़ों में, तो क्या ही भरोसा करें। पता है ऐसा टीका है वो, मतलब मेरी उंगली पे भी लगता है ना, और वो पूरा लाल ही रहता है पूरे दिन तक, जबकि इतना तो टीका कोई लाल नहीं रहता ना। नॉर्मल तिलक तो मतलब साफ़ हो जाता है पोछने में, वो पूरा लाल, उसमें केमिकल होगा तभी। अलग लगी अपने नाश्ता परांठे और साथ में देखती हूँ क्या। या मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं चाय पीती हूँ मगर मेरा भी सब्जी खाने का मन भी नहीं हो रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी के साथ ही खा लूँ। जब तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी अपना कुछ काम कर लो, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी, उसके बाद आप भी सो जाना, उसके बाद फिर उठ के हम मिलेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, बस आधे घंटा सो पाई, 12 बजे सोई, 12:30 बजे उठ गई क्योंकि मुझे फिर खाना बनाना था। और क्या नाम है, मैं इतनी लेट क्यों सोई, मेरा इतना सारा प्रमोशन का काम था, मुझे वीडियो एडिट करनी थी, फिर मम्मी को मैंने ही कॉल करी थी, हल्द्वानी वाली मम्मी को, उनको कॉल करी, बात बात करी थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर एक मिनट मेरे फ़ोन पर कॉल आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर आ रहा था, उनका फ़ोन घर ही रहता है क्योंकि। और फिर क्या नाम है, अपना काम वाम करा, उसके बाद फटाफट मैं उठी, आधे घंटे की नींद में इतना सर दर्द हो जाता है ना यार, दिमाग ख़राब, ना नींद ही पूरी हो पाती है ना कुछ। तो अभी फिर मेरे को खाना बनाने उठा था, मैंने यहाँ चढ़ा दी सब्जी, सोयाबीन की, आलू और सोयाबीन की तरी वाली, जिससे कि चावल के साथ खा ले, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है सोयाबीन, आलू सोयाबीन की सब्जी, बड़ी बोलते हैं ना जिसको, सोयाबीन सोया बड़ी वो। और अभी मैंने यहाँ चावल निकाल के रख लिए, पहले मैं थोड़े से चावल बीनती हूँ, उसको धोती हूँ, फिर मैं चावल बनाऊँगी। चलो इनको धोते हैं। गुड इवनिंग, तो आज सुबह से फिर ब्लॉग बन ही नहीं पाया, दिन का खाना वगैरह खाया, ये सो गए थे, मैं भी सो गई थी, और आज तो मस्त नींद निकाली मैंने, 4 घंटा सोई हूँ मैं 3 बजे से सोई हूँ, 6 बजे उठी हूँ, 3, 4, 4 से 5, 5, 3 ही घंटा हुआ है ना। और ये आ गए हैं अभी, मैं इनके लिए बना के आती हूँ चाय कुछ खाने का। और बाबू मैं तो सोच रहा हूँ हम फ्रेंच फ्राइज कैसे खाएंगे, फ्रिज भी नहीं है। तुम पहले उठो, चलो अभी उठ रहा हूँ, एक सेकंड पढ़ाई करो। हाँ कर रहा हूँ। तुम अभी क्या कर रहे हो फोन में, ऐसे कुछ चेक कर, तुम यही हो, थैंक यू, चाय पी लो। नहीं मैं जा रही हूँ, इसमें क्या खाया, मैंने मक्का रखा है इसमें, अच्छा अच्छा उबालने के लिए, सीटी आएंगी तो बंद कर दोगे, मैं आलू लेकर आ रही हूँ। वो चावल था, खा गया, कौन सा चावल, हाँ गाइस मैंने यहाँ शिमला मिर्च काट दी, अभी आलू खत्म हो गए, मुझे ध्यान नहीं था, बस 2 आलू रखे हैं, तो मैं आलू लेके आती हूँ, ठीक है। मान लेते खाना है, मोमो नहीं बना, आधे किलो ही बनाइए, गाइस देखो मोमो, मोमो तो मैं मोमो खाने का मन कर रहा है, नहीं फिर मैं कह रहा हूँ घर में मोमो, अभी तक बचते अगर होते यहाँ मोमो तो, है ऐसा सब बचा देते तुम, मेरे नहीं बचाती, इतना अच्छा क्यों सोचते हो तुम, मैं नहीं बचाती, मैं बोला फटाक से आना, फटाक से आना, मैंने बोला ठुक के आऊंगी, थप्पड़ मारना, एक जाओगी नहीं तुम, अब जाऊंगी मैं, तो सॉरी नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, आराम से चलाऊंगी पक्का। बाबू यार मजाक कर रहा था मैं, यही मिलता मजाक करने को, दो एक चाबी दो पहले, नहीं दे रहा भाई,
आराम से ऐसे जाऊंगी 10 की स्पीड पे, पक्का वादा। मैं ले आऊंगा आलू, इधर जाओ, मैं जाऊंगी, मैं ले आऊंगा, मैं ही जाऊंगी। नहीं तुम रोज घूमते हो, मैं अगर के घर में घूम पड़ी ही नहीं रहती जा हूँ। रहा, सीधे जा रहा हूँ, आलू लेकर आ रहा हूँ। नहीं मैं जाऊंगी, नहीं वादा पक्का, धीरे चलाऊंगी पक्का। मैं जाऊंगा, पक्का इसी पक्का मैं ही जाऊंगा। दिखाओ मेरा नया कवर आईफोन का, गाइस मेरे नया कवर लाए हैं आईफोन का। मैं ही जाऊंगा भाई, चाबी दे दो, नो वादा धीरे चलाऊंगी। यार मैंने मजाक में बोला था बाबू, और दे बोलो यार, नहीं तुम कसम आप गुस्सा कर रहे हैं ना। कसम है तुम्हारा, बोला था तुमने ऐसा कभी? कसम तोड़ो, मेरे मुंह से निकलता ही है बाबू। फिर मैं कसम दे दूंगी ना किसी चीज की जो तुम निभा भी नहीं पाओगे। पहले कसम तोड़ो, इतनी बड़ी क्या पूछ, पेंसिल बोलो, अब बंदे की पूछ, इतनी बड़ी क्या हाथ की पूछ, तो बड़ी तो पेंसिल होती है, पेंसिल बोलो, पेंसिल इतनी सी होती है भैया, इतनी बड़ी क्या हाथ की पूछ। मैं मार दूंगी बाबू, यार बोलो जल्दी, दिमाग में करो, बोलो इतनी बढ़िया हुई। बोले यार इतनी बड़ी क्या चाय भी इतनी बड़ी, पेंसिल बोलो, पेंसिल तेरी मेरी कसम कैंसिल, कोई नहीं कैंसिल, लेकिन उल्टा नहीं बोलो, बोलो मंदिर पे मंदिर आ गया, मंदिर तो बगल में है, बोलो मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर, ऐसे करो बाबू यार देर हो गई ना, अगल बगल में होते हैं, जल्दी करो, अगल बगल में मंदिर, ऐसे बोलो मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे अगल बगल, अगल बगल बोलो ना, बोलो अगल बगल ऐसे करो, मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे मंदिर ऐसे करो, मंदिर पे मंदिर ऐसे करो, तुम ऐसे ऐसे करो मेरे, मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे ताला, मंदिर पे ताला नहीं करो, मंदिर खुला रहता है, जब भगवान सोते हैं तब लगता है ना, ताला थोड़ी लगता है, तो बोलो यार कैसे मैं ऐसे करती है, मंदिर पे मंदिर, ताले क्यों खोल रहे हो, मंदिर पे मंदिर, मंदिर पे ताला, मंदिर पे ताला, कसम उतारे, कसम उतारे, ऊपर वाला और हटा देना उंगली, बोलो यार मैं उतार रहा हूँ यार, कसम बोलो, मंदिर 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 ताला, कसम उतारो, ऊपर वाला और क्रॉस कर, उतारे ऊपर वाला, आराम से जा, चाबी दो चाबी, आराम से जा, जाऊंगा हाथ कट गया, तो भीग गए, हाँ बारिश हो रही है, रेनकोट था यार, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में देखा बारिश, ओह माय गॉड, क्या हुआ, कुछ नहीं, तू रेनकोट देख लेता बाबू, मैं बाद में देखा बाद में, तो कोई बात नहीं, तुमने पूछा नहीं मेरे को देर क्यों हो गई, आलू लेने गए थे कि क्या लेने, तुम्हारे बिस्किट भी ले आई, बिस्किट खत्म, तुम भीगने क्यों गए, भीगने बाबू बिस्किट खत्म हो रहे थे ना, तुम्हें सुबह नाश्ते में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन तो तुमने इतना सोचा अच्छी बात है, लेकिन यार भीगे क्यों अभी बारिश में, लो पता है मैंने थोड़े पैसे डिग्गी में ही छोड़ी थी कि कभी अर्जेंट जरूरत पड़े, मैंने कहा ये तो हेलमेट निकालते हुए गिरा देंगे पैसे, जब ऐसे गिरा देते हैं तो जेब से, कोई बात नहीं बाबू, इतनी नहीं भीगी हूँ यार, हल्की सी होती बारिश, रेनकोट था उसमें, मुझे थोड़ी पता, अब मैं रेनकोट पहनने में लगूंगी, इतनी देर में मैं चल के आ जाऊंगी, इतना बड़ा सा रेनकोट है, चलो चलो बैठो, लग गया दूर रहो मुझसे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। हेलो गाइस, तो अब बनने लगा है खाना, और खाने में बनाया है आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी, रोटी अभी बनने वाली है, मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और यहाँ बन गई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, टडेंग, बना लेती हूँ रोटी, उसके बाद फिर हम खाएंगे और फिर सो जाएंगे, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं फिर बर्तन तन धोऊंगी, थोड़ा ब्लॉग एडिट करूंगी, फिर सो जाऊंगी, खाना हो गया तैयार, अब मैं चलती हूँ खाना लेकर, हाथ में ले लेती हूँ उसको, यहाँ मेरा है, मैं तो ज़्यादा सब्जी खाती हूँ भाई, नथिंग मस्त हो रहा है।